नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल न्यू अपकमिंग होंडा यूनिकॉर्न 160 की नेक्स्ट जनरेशन के बारे में, यानी कि यूनिकॉर्न के न्यू मॉडल के बारे में। जब से यूनिकॉर्न इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है तभी से लेकर अभी तक इस बाइक में आपको कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिले हैं, और अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे इस बाइक से रिगार्डिंग कि भाई हमें इस बाइक का न्यू मॉडल कब तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा तो क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्या कुछ प्राइस रहेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी आपको हीरो की सभी बाइक में स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और यामाहा की भी सभी बाइक में आपको स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और बजाज की बाइक में भी अब आपको काफ़ी जल्द स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अब होंडा भी पीछे रहने वालों में से नहीं है। होंडा की भी सभी बाइक में आपको काफ़ी जल्द स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है, और यूनिकॉर्न में भी आपको स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको कुछ न्यू अपडेट भी देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इस बाइक के न्यू मॉडल की सारी डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अब आपको फ्रंट में फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा। अभी आपको इसमें हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलता है, लेकिन इसके न्यू मॉडल में आपको फ्रंट में फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, जिससे इसका फ्रंट का लुक भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। और रियर में आपको LED टेल लैम्प देखने को मिलेगी, और इंडिकेटर्स भी आपको LED में ही देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन इसमें अब आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें अब आपको स्मार्ट एक्स टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको काफ़ी सारे अलर्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि फ़ोन अलर्ट, SMS अलर्ट, लो फ्यूल अलर्ट, लो बैटरी अलर्ट, इस टाइप के काफ़ी सारे अलर्ट भी अब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको इंजन किल स्विच भी देखने को मिलेगा। इसके टैंक पर आपको टैंक काउल और नीचे की साइड में आपको इंजन काउल भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको फ्रंट में 80 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर, और रियर में आपको 100 सेक्शन का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। तो इसके टायर साइज़ तो आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको काफ़ी सारे न्यू कलर्स और न्यू ग्राफिक्स भी देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्रंट में 276mm का डिस्क ब्रेक प्लस सिंगल चैनल ABS, और रियर में आपको 240mm का डिस्क देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें अब आपको एज अ ऑप्शनल डुअल डिस्क का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, और बाकी सब कुछ आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको 149.7cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व एयर कूल BS6 FI इंजन देखने को मिलेगा, जो कि जनरेट करेगा लगभग में 14.1 BHP के अप्रॉक्स पावर और 13.5 Nm के अप्रॉक्स टॉर्क। तो इस बाइक की पावर फिगर आपको लगभग में सेम ही देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 5-स्पीड का गेयरबॉक्स भी देखने को मिलेगा, और बाकी सब कुछ आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है। बात कर लें अगर इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी प्राइस यहाँ पर लगभग में 4,000 से 5,000 रुपये तक इंक्रीज़ होने वाली है, और बदले में आपको इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे अपडेट देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग इस बाइक के ओल्ड मॉडल को परचेज़ करने की सोच रहे थे, तो आप लोग ज़रूर से इस बाइक के न्यू मॉडल के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके न्यू मॉडल में आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया अपडेट देखने को मिलेंगे। और बात कर लें अगर इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में, तो ये बाइक आपको इस ईयर के एंड तक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो इस बाइक के बारे में यही न्यूज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, राइड सेफ, जय हिंद।